हमारी यूनिवर्सिटी का मुख्य केंद्र है। तो आइए हम जिंदगी सुनाएंगे। सुपर स्पेशलिटी हैज एक्चुअली प्रोग्रेस्ड, द सेवन सुपर स्पेशलिटीज ओवर हियर, ऑल द डिसिप्लिन्स हैव प्रोग्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर सुपर स्पेशलिटी प्रोसीजर्स, इन टर्म्स ऑफ द वर्क परफॉर्म विच हैज क्लियरली ट्रिपल्ड। इट यूज टू बी व्हाट इट यूज टू बी अर्लियर, लाइक द प्रोसीजर्स, द ओपीडीज, द आईपीडीज, द क्वालिटी, the SOTO there, the renal transplants, the beating heart surgeries, the neurosurgeries, everything has tripled. So I congratulate all of you. It is only because of you the workload has got that exponentially, qualitatively and quantitatively that high. So that deserves, all of you deserve that appreciation. Every day is a nurse's day. It's not only that 12th of May should be the nurse's day. No healthcare facility can be a healthcare facility without nurses, and no, the doctors would be incomplete without nurses. So this is the day, and there is a different warmth, a hustle, a bustle, a celebration, the vibrant environment. All of you are working so hard, and then it's a day to celebrate you all. I wish all the nurses all the progress in terms of health, happiness, contentment, satisfaction, everything on this particular day. A big clap for our matron ma'am. तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू मैम। थोड़ा नीचे नीचे, थोड़ा नो मैटर, नीचे करो बस, किधर देखे थे किसी थे, और थोड़ा नीचे। सूदन को मोमेंटो के साथ एक टोकन ऑफ लव के साथ उन्हें यहाँ से भेजिए। मैम वी विल रियली मिस यू ऑल, बहुत आभारी है हमारे लिए। थैंक यू लॉर्ड। उन्होंने कभी भी हमें किसी बात के लिए मना नहीं, जब जब सर को बोला है तब तक सर ने हमारे साथ खड़े। हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में जिसमें हमारी ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है और खासकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसको मैं क्राउन ऑफ ऑल एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स कहूँगी, बेशक ये ऑलमोस्ट 10 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसकी स्वास्थ्य सेवाएं जो पहले हुआ करती थी क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से तीन गुना बढ़ चुकी हैं। ये हुआ है एक मिलजुल कर जो हमारी आजकल कार्य प्रणाली जिसमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हमारी दिन प्रतिदिन सारे स्वास्थ्य कर्मियों की बढ़ती जा रही है। नर्सिस हमारा अभिन्न अंग है और उनकी कोऑपरेशन के बिना, उनकी सर्विसेज के बिना कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं चल सकती। वैसे तो पूरा साल ही हम नर्सिस को सेलिब्रेट करें तो कम होगा, लेकिन ये एक दिन है जिस दिन हम अपना नर्सिस डे मनाते हैं और सारे हॉस्पिटल्स में मनाया गया। एक फेज्ड मैनर में ये प्लान किया गया था ताकि हर नर्स के साथ भी, जैसे बाकी हमारे हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स हैं या पेशेंट्स हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक हमारी सारी पॉलिसीज़ हैं या पेशेंट सेंट्रिक हैं, तो ऐसे ही हमारे हर कोलीग के साथ भी वन टू वन कनेक्ट हमारा हो। ये हमारी सारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें मैं खुद, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में पर्सनल ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हमारे सुपरिंटेंडेंट सारे जो लीड करते हैं सारे हॉस्पिटल्स को, ये इस बिल्कुल इरादे के साथ ऐसा रखा गया है कि हर नर्स को, हम एक एक नर्स को खुद सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट है, हमारे
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं। कोविड में भी रही यहाँ का जम्मू रीजन का इकलौता टर्शरी केयर हॉस्पिटल, और उसी पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसी का दायित्व था। और इन्होंने किया भी बढ़ चढ़ कर परफॉर्म। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 967 कोविड पेशेंट्स थे, ऐसा कहीं संसार में और देखने को कम ही आ रहा है कि ऐसे एट ए टाइम इन्होंने संभाले। नर्सिस का हमेशा कंस्ट्रेंट रहा, पैरामेडिक्स का भी कंस्ट्रेंट रहा, क्रिएशंस हो रही हैं बिल्कुल, ये हमारे समझ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। और लेकिन एक एक नर्स ने तीन तीन नर्सिस का काम किया, जब ज़रूरत पड़ी किसी ने माथा मैला नहीं किया। तो आज दिन है कि आज इनकी हम हौसला अफजाई करें, इनको सेलिब्रेट करें, इनके जो इंटरेस्ट्स हैं, टाइमली प्रमोशंस हैं, सब कुछ डीपीसीज वगैरह वो भी साथ साथ करके हम जो इनको दे सकते हैं अपनी तरफ से वो भी दे रहे हैं। ज़्यादा खुशी की बात है कि 350 नर्सिस सरकार ने हमारे लिए और सेलेक्ट की हैं, तो ये उनकी जो एक्सपीरियंस नर्सिस हैं उनके लिए इंडक्शन कोर्सेज करेंगी जिम्मेवारी से, और उनको बिल्कुल अपनी SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हमारे यहाँ के हैं वो सिखाएंगी। आज की हमारी नर्सिस सारी टीचर्स बन चुकी हैं, BSc नर्सिंग कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, तो बहुत सारी जिम्मेवारियाँ इन पे बढ़ गई हैं और ये इनको बखूबी निभा भी रही हैं। जितना हम इनको सेलिब्रेट करें और अप्रिशिएट करें वो कम होगा।